हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का पार्ट वन एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, आज मैं पार्ट टू लेकर आई हूँ जिसमें कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स है जिनको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ वो पार्ट टू है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं फ्रैक्शंस को कवर कर रही हूँ। जैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है 7 + 4/9, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको निकालना है। तो आप, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ इसका आंसर क्या है, 7 4/9। ठीक है, ये मेरे लिए आंसर आ गया। लेकिन आप पूछेंगे कैसे आया, करने क्या प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ आपने आंसर निकाला, लेकिन इसकी ट्रिक क्या है। तो चलिए पहले हम क्या देखते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन सही है। 7 प्लस, ये क्या है इसका बेस मेथड। हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 7 = 63, 63 और यहाँ पे 1 4 = 4 डिवाइडेड बाय 9। 63 + 4 कितना हो जाएगा, 67/9। सिंपली आप जो डिवाइड करते थे वो डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 9 9 7 9 7 = 63, 7 में से 3 गया था 4। अब हम क्या करते हैं, क्यू आर डी के फॉर्म में लिखते थे, क्यू आर डी मिक्स फ्रैक्शन का, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आते हैं। तो क्यू आर डी के फॉर्म में आपने लिखा, क्वेश्चन क्या हो गया आपका, 7 रिमाइंडर 4 और ये 9, आ गया आपका सेम आंसर। अब मैं आपके इसको ट्रिक बताती हूँ कि ट्रिक क्या है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये हर जगह अप्लाई नहीं होती। कब अप्लाई होती है, जब न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। ये कंडीशन होगी, अगर आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 7 4/9 लिख देंगे, आपको इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ट्रिक तभी यूज होगी जब यहाँ पे क्या होगा, न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, और साइन क्या होना चाहिए, प्लस का। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे एडिशन का साइन हो और न्यूमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, इस चीज का आपको बस ध्यान रखना है। तो आपका ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सेम बात करूं यहां पे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 5 या 5 ना लेके 3 2/6 + 4 1/2। अभी मैं कौन से केस ले रही हूँ, एडिशन केस के, सब्ट्रैक्शन के भी केस बताऊंगे, एडिशन के केस है। ठीक है, ये फर्स्ट केस था आपका 7 4/9, अभी मैं सेकंड केस ले रही हूँ 3 2/6 + 4 1/2। तो इस केस में क्या करेंगे, ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, पहले हम ये दोनों नंबर को साथ में ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या करेंगे, 2/6 + 1/2। ठीक है, 3 + 4 = 7। अब अंदर के केस में क्या करना है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना, वो क्या थोड़ा सा मुश्किल, इससे बेटर क्या है, आपने फोर्थ फिफ्थ में सीखा होगा, आजकल यही ट्रिक बताते हैं कि क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करना है तो क्या करना है, यहाँ पे 2 3 2 3 = 6, डिनोमिनेटर सेम आया, जो नंबर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया उसको हम ऊपर भी कर देंगे। तो कितना आ गया यहाँ पे, 2 + 3 1 = 3 / 6। बाकी ये स्टेप में इतना टाइम नहीं जाता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 और 2 5/6। अभी हमने ट्रिक देखी कि अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हमने डायरेक्ट क्या किया, यहाँ पे लिख दिया ऐसे, यहाँ पे अदरवाइज क्या करते, प्लस 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 लगाते, फिर वो प्लस करके फिर एलसीएम करके सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा है तो हमारा आंसर आ गया 7 5/6, ये आ गया आपका आंसर। तो ये आप जो क्वेश्चन है विद इन 2 और 3 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आपको फिर टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में।
तो ये मैंने आपको एडिशन के केस बताए थे। एक और क्वेश्चन बताती हूँ आपको एडिशन केस में। जैसे आपके पास है 5 1/4 +6 1/2। आई होप कि अभी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, तो मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए। 5 + 6, 5 + 6 अंदर क्या है 1/4 और प्लस 1/2। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं, प्लस का कर रहे हैं तो। 5 और 6 कितना है 11। यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम किया तो कितना आया 2 * 2 3 और यहाँ पे 4। क्या आंसर आ गया 11 3/4 सॉल्व हो गया। ये बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको यहाँ पे दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो केस आपका एडिशन होना चाहिए और न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो ये आपकी फर्स्ट ट्रिक थी। नाउ नेक्स्ट सेकेंड ट्रिक की बात करते हैं। सेकेंड ट्रिक में मैं माइनस का सेकेंड ट्रिक हम सबस्ट्रैक्शन से ले लेते हैं। ठीक है, सबस्ट्रैक्शन का थोड़ा सा ट्रिक थोड़ा सिमिलर है लेकिन कुछ चेंजेस है, इस बात का ध्यान रखना। इसमें क्या है आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये 6 3/5, यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तभी ये ट्रिक आपकी काम करेगी। तो न्यूमिनेटर हमारा यहाँ छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे आपको क्या करना है 6 से 1 नंबर माइनस करना है, मतलब 6 से 1 माइनस करना है। तो 6 से 1 माइनस किया तो क्या आया 5। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 5 में से 3 गया तो कितना आया 2, 2/5। ये आ गया आपका आंसर। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसको अगर आप लॉन्ग मेथड से देखना चाहते हैं तो मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे आपके पास है 6 3/5, एलसीएम लेंगे सिंपली 6 30 -3 5 का 5, 30 में से 3 गया तो कितना आया 27/5। सिंपली डिवाइड कर दो, 5 5 = 25, 7 में से 2 गया तो, 7 में से 5 गया तो 2। ठीक है, तो आप QRD के फॉर्म में लिख दीजिए तो क्या आ जाएगा 5 2/5। ये आंसर दोनों मैच कर रहे हैं तो ये ट्रिक हमारी क्या फॉलो हो रही है। अगर आपको कोई ट्रिक में डाउट लगता है कि ये कैसे हुआ तो आप उसे लॉन्ग मेथड से चेक कर ले, चेक करने के बाद फिर उसे प्रैक्टिस में लाए। एक और क्वेश्चन देखना चाहते हैं या खुद कर आप, अब तो आप खुद कर सकते हैं ना। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है मेरा 7 4 - 4/7, तो सिंपली क्या करना है 7 में से 1 माइनस किया तो 6, 7 में से 4 गया तो 3 और ये 7 आ गया आपका आंसर। आप चाहे तो लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इसका मैं नेक्स्ट बताती हूँ, थोड़े से बड़े नंबर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 13 - 4 3/4। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसे 13 - 4 - 3/4। सब्ट्रैक्शन का केस है या ऐसे भी आप इसको भी ब्रेक करेंगे, -4 + 3/4 है, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो 13 में से 4 गया तो कितना आएगा 9 और यहाँ पे क्या है -3/4। अब हमारा वो रूल फॉलो कर, 9 में से 1 माइनस किया तो 8, 4 में से 3 गया तो 1 और ये 4 आ गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। प्लस का केस मैंने आपको बता दिया है, प्लस माइनस साथ में ले लेते हैं। या जैसे आपके पास है, यहाँ पे आपके पास है एक 5 1/6 +3 1/4 -7 1/2 +4 2/3। ये आपके पास एक केस है। सिंपली क्या करेंगे हम, जो सिंगल में नंबर है उनको एक तरफ कर लिख देते हैं, 5 + 3 -7 + 4 और ब्रैकेट में 1/6
प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3। ठीक है, अभी इन सबको आपने 5 और 3 8, 8 माइनस 7 1, 1 प्लस 4 5, यहाँ पे आपका क्या आ गया 5, प्लस में है तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम सेम करना है। सेम एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फोर और सिक्स को हम चेंज नहीं कर सकते, इसको करेंगे तो 2 2 4 और इसको करेंगे तो 3 2 6, मतलब आपका 6 और 4 एलसीएम आ रहा है। तो हमको ऐसा करना है कोई भी बड़े नंबर को चेंज कर दें, तो इसको चेंज करेंगे तो 6 2 12, 4 3 12 और 2 6 12, 3 4 12, जो नंबर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी को सेम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 और यहाँ पे 4। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2, 6 2 12, 3 1 3, 4 3 12, माइनस 6 1 6, 6 2 12, प्लस 4 2 8 और 3 4 12, ये आपका सॉल्व हुआ। अब क्या करेंगे, सिंपली हम 5 प्लस, इन सबको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 8, 3 प्लस 2 5 और 5 8 5 13, 13 में से 6 गए तो 7, तो कितना आया आपका 7, प्लस का 7, तो 7/12, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 7/12, ये आपका आंसर आ गया। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और कोई डाउट है तो उसे कमेंट में मुझे मैसेज करें। थैंक यू।